पटना के बाद बेंगलुरु में अब विपक्षी एकता की कवायद की जा रही है। 17 और 18 जुलाई को विपक्ष की बैठक होने वाली है। इस बैठक में 24 राजनीतिक दल शामिल होंगे। एडीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि वो नए राजनीतिक दल हैं जो बैठक में शामिल होने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। दिल्ली में यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बुधवार सुबह 5 बजे यमुना का जल स्तर 207.08 रिकॉर्ड किया गया है। ये यमुना के विकराल रूप को दर्शाता है, क्योंकि इससे पहले 1978 में यमुना में इतना पानी रिकॉर्ड किया गया था। यमुना में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। साथ ही निचले इलाकों से करीब 41,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। दरअसल यमुना में पानी के जलस्तर को बढ़ने की असली वजह हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक जल छोड़ा जाना है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई जिले बेहाल हैं। यहां अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते मंडी के पंडोर डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। मंगलवार शाम 6 बजे से बुधवार दोपहर 3 बजे तक एक बार फिर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। नूरपुर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आगामी कुछ दिनों तक निचले क्षेत्रों जैसे नदियां, नाले और डैम के आसपास ना जाएं। वहीं मनाली में बारिश से कई पर्यटक फंस गए हैं।